हेलो दोस्तों, आज मैं लेके हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है सामने Redmi Note 9। तो करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको क्या तरह के आपको इसमें फीचर्स आपको देखने मिलते हैं और दिखने में ये कैसा दिखता है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पे बॉक्स को अनबॉक्स करने से पहले कुछ हाईलाइट फीचर्स आपको Redmi Note 9 के बॉक्स पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 48 मेगापिक्सल का आपको AI क्वाड कैमरा मिल जाता है विद 13 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले सेल्फी के साथ में। अगर आप बात करते हैं इसके प्रोसेसर की तो आपको इसके अंदर मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर मिलता है जो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। साथ ही साथ में आपको 6.53 इंच की FHD+ IPS डिस्प्ले मिलती है कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में। इस फोन में आपको 5020 mAh की बैटरी मिलती है विथ 22.5 वाट फास्ट चार्जर आपको इस बॉक्स में आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो मैंने कलर मंगाया है वो है आर्कटिक वाइट विथ 4GB RAM 64GB ROM के साथ में। और नीचे देखिए आप यहाँ पे बॉक्स पे लिखा है मेड इन इंडिया। तो चलिए करते हैं इसको बॉक्स को ओपन। करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको Redmi Note 9 के बॉक्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सी मैजिक टूल। साथ ही साथ में आपको मेरे हिसाब से कुछ पेपर वर्क आपको यहाँ पे वारंटी प्लस यूज़र गाइड आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे Redmi Note 9 के बॉक्स में आपको सॉफ्ट बैक केस कवर देखने को मिलता है जो काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लग रहा है। देन बॉक्स में आता है हमारा यहाँ पे मोबाइल फ़ोन। तो इसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देन यहाँ पे लास्ट में आपको बॉक्स में मिल जाता है एक अच्छा सा 22.5 वाट का आपको चार्जिंग एडाप्टर यहाँ पे, और साथ में इसके मिल जाता है आपको टाइप सी आपको यहाँ पे केबल देखने मिलता है चार्जिंग केबल यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं इसे कवर से निकाल लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था ये है आर्कटिक वाइट कलर। अगर आप बात करते हैं Redmi Note 9 के बैक साइड की तो ये आपको मिल जाता है पॉलीकार्बोनेट। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फिजिकल व्यू की। ये आता है आपको 6.53 इंच का आपको FHD+ IPS डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है विथ 13 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले कैमरे के साथ में। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है आपको सिम ट्रे और राइट साइड में आपको मिल जाता है वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन की कीज। साथ ही साथ आपको राइट साइड में पावर की भी आपको देखने को मिलती है। नीचे के साइड में आपको मिल जाता है स्पीकर विद आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में 3.5 mm का हेडफोन जैक भी आपको मिल जाता है। पीछे के साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल +2+2 का आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है विद उसी के नीचे आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो चलिए आप करते हैं Redmi Note 9 का कैमरा टेस्ट और देखते हैं आपको किस तरह के आपको Redmi Note 9 में फोटोज आपको देखने को मिलते हैं। जो आपको रियर कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल +2+2 का जो क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलता है उसमें आपको कैसे फोटोज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फोटोज कलेक्ट किए Redmi Note 9 में, बट आपको यहाँ पे एक लाइव फोटो बता देता हूँ, देन उसके बाद में वो भी फोटोज आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पे Redmi Note 9 का कैमरा मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप कुछ फोटोज़ मैंने लिए Redmi Note 9 से जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इन फोटोज़ में से आपको Redmi Note 9 के कौन सी फ़ोटो अच्छी लगी है। अगर आप डे में फोटोज़ लेते हो तो यहाँ पर इमेज क्वालिटी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे Redmi Note 9 की लगी है, और साथ ही साथ अगर आप नाइट में भी अगर आप फोटोज़ लेते हैं तो यहाँ पर इसका जो कलर है और इमेज क्वालिटी बहुत ही अच्छी यहाँ पर Redmi Note 9 की निकल कर आती है। अगर आप बात करते हैं इसके 13 मेगापिक्सल के इन डिस्प्ले कैमरे की तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कितनी अच्छी फोटो आपको यहाँ पे निकल कर आती है 13 मेगापिक्सल का जो Redmi Note 9 का इन डिस्प्ले आपको सेल्फी है। तो अगर आप सेल्फी लेते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी आपको सेल्फी इस फोन में Redmi Note 9 में निकल कर आती है। करते हैं इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट और देखते हैं कितना फास्ट आपको Redmi Note 9 में अनलॉक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे लॉक करके बताऊँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे फिंगर प्लेस करूँगा तो बहुत ही इंस्टेंटली यहाँ पे अनलॉक हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देन अगेन लास्ट बार, तो आपको अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिलता है। चलिए अब कर लेते हैं साथ ही साथ फेस लॉक टेस्ट, कितना फास्ट आपको Redmi Note 9 में फेस अनलॉक आपको देखने को मिलता है। ऑलरेडी मैंने अपना फेस ऐड कर लिया तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लॉक किया है तो यहाँ पे देखिए फास्ट अनलॉक हो चुका है। देन लास्ट टाइम काफ़ी हद तक आपको बहुत ही अच्छा आपको फेस लॉक आपको Redmi Note 9 में देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की। तो ये है 4GB RAM 64GB ROM वाला बेस वेरिएंट जो कि आपको 11,999 रुपीज़ में मिल जाता है। इस फोन में आपको 6.53 इंच की FHD+ IPS डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। साथ में आपको इन डिस्प्ले 13 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता है। बैटरी आपको 5020 mAh की मिलती है विथ 22.5 वाट का चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है।
अगर आप बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो आपको इसके अंदर हीलियो G85 का प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने मिलता है, जो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा आपको प्रोसेसर रेडमी नोट 9 में मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं रियर कैमरे की, तो आपको इसके अंदर मिल जाता है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल +2+2 का क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलता है। हिसाब से बेस्ट फोन है इस प्राइस सेगमेंट में, यानी कि 12,000 रुपीज में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।